हाँ गुड इवनिंग। अभी मैं इधर गुरुद्वारा के इधर आया हूँ, आप लोगों के इधर गुरुद्वारा के गलियाँ दिखाता हूँ। पटना का जो छोटी छोटी गलियाँ हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए तो मैं गली दिखाना शुरू कर। देखिए छोटी छोटी गलियों से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी मैं गुरुद्वारा की तरफ जा रहा हूँ और मैं आप लोग को अभी गुरुद्वारा लेके चलूँगा। यहाँ जो पटना का गुरुद्वारा है, पटना सिटी का, मैं गुरुद्वारा दिखाऊँगा। सिटी के रोड पे आ गए हैं, मेन रोड। वो मैं गली में था उस समय हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा की तरफ। गुरुद्वारा होते हुए आपको पटना गंगा नदी के किनारे लेके चलूँगा। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग का बिहार में छठ पूजा किया जाता है, वो खास में दिखाऊँगा। और ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी हमने, वहाँ पे लाल सीट वाली बाइक है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा की तरफ, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे चप्पल जूता उतारा जाता है। राजा बाबू बालाजी जो है वो अंदर चला गया। मैं भी यहाँ पे जूता उतार देता हूँ और अंदर रख दूंगा। गाइस यहाँ पे जूता देने के लिए सब लाइन में लगा हुआ है और बालाजी अपना जूता लेके घूम रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, लो बालाजी दोनों दे दो और टोकन ले लेना। तो दोनों जूता हमने रख दिया है और ये फाइनली उसने रख दी वहाँ पे। और टोकन बालाजी ले लिया है, ठीक है। टोकन नंबर है 40। तो देख सकते हैं गाइस ये अभी जूता रखे हम लोग अब अंदर गुरुद्वारा की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हाथ पैर यहाँ पे धोया जाता है, बालाजी हाथ धो रहा है, मैं भी हाथ धोऊंगा। और अभी हम लोग वहाँ अंदर जाएंगे और माथे में रुमाल बांधा जाता है, जो मेरे पास तो है, पता नहीं बालाजी के पास है कि नहीं। बालाजी मोबाइल वगैरह ये देखिए, कौशल भैया भी हाथ धो लिए हैं। धो लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मिल रहा है और बालाजी रुमाल लेने गया है। जब तक देख सकते हैं बालाजी अपना रुमाल ले लिया है और ये माथा में पहन लिया रुमाल। और अब मेरी बारी है, मैं भी रुमाल पहनूंगा। और कौशल भैया भी रुमाल को पहन लेते हैं, उन्होंने अपना शर्ट ढक लिया और अब हम लोग गुरुद्वारा में जाने के लिए रेडी। गाइज की पैर धोया जाता है, यहाँ पे पैर बालाजी धो रहे हैं, मैं भी अपना पैर धो लेता हूँ। और यहाँ हम लोग पैर धोते हुए आगे को प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या व्यूज है, वाह सो वंडरफुल। में आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे
आप इतना मानेंगे कि सुंदर जगह है, कितना देखने योग्य यहाँ देख सकते हो आप, पूरा लाइटिंग है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पूरी लाइटिंग व्यवस्था है, और सभी लोग अपना यहाँ घूम रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जा करके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे अंदर है। मैं तो ज़्यादातर गुरुद्वारे में नहीं आया हूँ, जब भी आया था तो मैं बाहर ही रहता था, आज मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आया हूँ। और इधर प्रसाद जहाँ मिल रहा है, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का। तो वहाँ पे प्रसाद, जो वहाँ पे दो सरदार हैं वहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। और बच्चा छोटा था, वो अपना ये वो कार छोटा सा वो आगे भेज रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्रसाद वितरण हो रहा है, यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइन मेला के अंदर वो दर्शन करने लोग जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग फाइनली वहाँ से अंदर से जो माथा टेक करके निकल गए हैं। और क्या होता है ना कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आप ना वीडियो बना नहीं सकते और ना फोटो खींच सकते हैं। तो सो मैं बाहर ही अपने वो जो मोबाइल को ऑफ कर दिया था और वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था। और मैं अभी अंदर से निकला हूँ, तो इधर थोड़ा एक ग्राउंड है जो खाली था, इधर सभी है, तो इधर मैं आ गया हूँ। और इधर मैं देखता हूँ कि इधर क्या है, तो इधर चल के देख रहा है। इधर भी बाहर निकलने का एग्जिट गेट है, और यहाँ मैं आप लोग का वो लंगर खा के बाहर निकल रहे, क्योंकि हम लोग अंदर का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, कि वहाँ पे मना कर दिया था कि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करना है, तो कोई ऑब्जेक्शन है इसी कारण। तो अभी बस इतना ही फिलहाल।